केसेस दिल्ली में बढ़ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन आंदोलन मोर्चा बंदी करने के लिए भी सबसे आगे आ जाएगी। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, ये दोनों बात नहीं हो सकती। यहाँ पर यूपी के, बिहार के, हरियाणा के लोग रहते हैं, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक दिल्ली का आदमी जिसके पास दिल्ली का आईडी है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, यूपी का, बिहार का रहने वाला, उसका इलाज आप गौतम बुद्ध नगर में करा के दिखा दीजिए जिसके पास दिल्ली की आईडी है। हरियाणा का जो व्यक्ति दिल्ली में रहता है उसका इलाज आप गुड़गांव में करा के दिखा दीजिए, नहीं करा सकते। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कल से ये अपने आप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सपना कहां से आया, ये कल्पना में कहां उन्होंने मान लिया कि हम एम्स अस्पताल में किसी भी मरीज के इलाज से वंचित कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज पासेस, कोई भी इमरजेंसी सेवा जो है वो यथावत जारी रहेगी, ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने भी कहा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के नाम पे 17,500 करोड़ रुपए बांटे गए और आपदा के नाम पे हमें 17,500 रुपए नहीं दिया गया, 17,500 रुपए। भाजपा के मित्रों से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ 20,000 केस हो गए, यहाँ पे विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, हम उस संकट को, उस खतरे को देखते हुए उन विशेष परिस्थितियों में निर्णय ले रहे हैं। आज ऐसा क्या कहेंगे कि लोगों को लगे कि दिल्ली वाले और दिल्ली सबकी चिंता करती है? अंजना जी, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर आप मुझे इस डिबेट के लिए उस दिन बुलाती जब हरियाणा ने हमारे रास्ते खोद दिए थे, बुलडोजर से रास्ता खुदवा दिया। अनिल विज जी ने, वहाँ के गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि दिल्ली से कोरोना आ रहा है, हरियाणा में प्रवेश रोकते हैं। डॉक्टर्स तक के, कोरोना योद्धा जिनको प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनकी तक की एंट्री रोक दी। मुझे अच्छा लगता है जब आप ये डिबेट पहले करती, जब गाजियाबाद में मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने कहा कि हम दिल्ली से कोरोना फैल रहा है, दिल्ली वालों को प्रवेश नहीं होने देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्या दिल्ली के लोगों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है? उनको दिल्ली के लोगों की चिंता करने का हक नहीं है? दिल्ली में आज कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा है, 20,000 केसेस हो गए, और उसके बावजूद अगर हम इसको कंट्रोल पाने में सफल हुए हैं केजरीवाल जी, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार ने लगातार बेड्स की, वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की उपलब्धता अस्पतालों में बेहतर करने का काम किया, और इसी के कारण केसेस ज्यादा होने के बावजूद हमारे डेथ रेट कम है। यानी ये हमने सफलता इसलिए पाई है कि केजरीवाल जी चिकित्सा सुविधाओं को लेके पूरी तरह से चौकन्ने। दिल्ली में 9,500 बेड का इंतजाम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अस्पतालों में किया है। अगर आप 130 करोड़ लोगों के लिए ये 9,500 बेड खोल देना चाहते हैं, अस्पताल खोल देना चाहते हैं, फिर तो ये 2 दिन में भर जाएगा। मुझे तो प्रसन्नता होती कि योगी जी और खट्टर जी कहते हमारे राज्यों में केसेस कम हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, अगर कोई भी मरीज दिल्ली का बीमार होता है, आप संकट में हैं, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये नहीं हुआ अंजना जी, हुआ उल्टा ये कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के नाम पे 17,500 करोड़ रुपए बांटे गए और आपदा के नाम पे हमें 17,500 रुपए नहीं दिया गया, 17,500 रुपए। इसका मतलब आप दिल्ली के प्रति एक सौतेला व्यवहार, एक भेदभाव का व्यवहार रखते हैं। दूसरी बात, केसेस दिल्ली में बढ़ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन आंदोलन मोर्चा बंदी करने के लिए भी सबसे आगे आ जाएगी। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, ये दोनों बात नहीं हो सकती। और दिल्ली में रहने वाले लोग कोई आसमान से टपके हुए लोग नहीं है। हाँ। मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ अंजना जी। हाँ। यहाँ पर यूपी के, बिहार के, हरियाणा के लोग रहते हैं, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक दिल्ली का आदमी जिसके पास दिल्ली का आईडी है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, यूपी का, बिहार का रहने वाला, उसका इलाज आप गौतम बुद्ध नगर में करा के दिखा दीजिए जिसके पास दिल्ली की आईडी है, गाजियाबाद में करा के दिखा दीजिए। हरियाणा का जो व्यक्ति दिल्ली में रहता है उसका इलाज आप गुड़गांव में करा के दिखा दीजिए, नहीं करा सकते। तो ये वक्त तो इस बात का था अंजना जी, केंद्र सरकार हमारी मदद करेगी, ना केंद्र मदद करेगी, ना हरियाणा मदद करेगी, ना उत्तर प्रदेश मदद करेगा, ना आपदा प्रबंधन के नाम पे हमें कोई मदद मिलेगी। हाँ, बॉर्डर के नाम पे जरूर राजनीति करने के लिए सबसे आगे आ जाएंगे जिन लोगों ने रास्ते खुदवाए, बॉर्डर बंद किए। जवाब लेते हैं, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आलोचना करने नहीं आया। प्रबंधन की एक जिम्मेदारी होती है और एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, किसी राज्य को अगर वो चला रहे हैं, बेहतर चिकित्सा सुविधा देना चाहते हैं, तो वहाँ उस राज्य में रहने वाले लोगों का ध्यान रखें। तो ठीक है, जवाब लेते हैं राजीव प्रताप रूडी जी। यूपी, बिहार, हरियाणा, अन्य राज्यों के लोग जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए है ये। ठीक है, वो सीधे कह रहे हैं कि कहीं ब्लैकमेल करने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हैं आप केंद्र सरकार। मैंने एक शब्द भी सबक सिखाने की बात नहीं कही। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश और बिहार की बात आप कर रहे हैं, मैं भी खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ, और पिछले जब से लॉकडाउन घोषित किया है प्रधानमंत्री जी ने, लगातार उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। 42 बस अब तक अपने संसाधनों से लोगों से मदद लेके अब तक भेज चुका हूँ बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए, राशन के लिए, भोजन के लिए, जो काम हम लोगों से बन सकता है, जितनी ताकत है वो कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी, अस्पतालों में मरीज मारे मारे फिरेंगे,
तो क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी हमें बख्शेगी, चौराहे पर निकलकर हमारे खिलाफ प्रदर्शन करेगी, केजरीवाल जी के इस्तीफे मांगेगी, आंदोलन करेगी, मोर्चा छेड़ देगी? और सिर्फ यहाँ का नहीं, पूरे दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, इटली में, जहाँ पर भी मृत्यु ज्यादा हुई उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था, बेड्स उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वहाँ पे मौतें हुई। वो परिस्थितियाँ आप दिल्ली में चाहते हैं क्या? ऐसी परिस्थितियाँ दिल्ली में उत्पन्न ना हो, इसलिए हम ये निर्णय ले रहे हैं। भाजपा के मित्रों से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ 20,000 केस हो गए, यहाँ पे एक विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। हम उस संकट को, उस खतरे को देखते हुए उन विशेष परिस्थितियों में निर्णय ले रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि हर एक मुख्यमंत्री का, हर एक जिम्मेदार नेता का फर्ज है, जिम्मेदारी है, जिसको केजरीवाल जी अदा करें। अलग अलग आंकड़े सामने रखे जा रहे हैं, फज किया जा रहा आंकड़ा, उन्होंने आरोप लगाया। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कल से ये अपने आप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सपना कहां से आया, ये कल्पना में कहां उन्होंने मान लिया कि हम एम्स अस्पताल में किसी भी मरीज के इलाज से वंचित कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज पासेस, कोई भी इमरजेंसी सेवा जो है वो यथावत जारी रहेगी, ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने भी कहा। हाँ, ये बात अलग है कि हरियाणा में डॉक्टरों को भी रोका गया था, वो उस पे शायद रूडी साहब नहीं बोलेंगे। एम्स के अंदर, आरएमएल के अंदर, सफदरजंग के अंदर, लेडी हार्डिंग के अंदर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, उसमें कोविड के मरीजों के लिए सुरक्षित बेड की संख्या है मात्र 1400। कल से बराबर ये चलाया जा रहा है, 13,000 बेड, 13,000 बेड, सेंट्रल गवर्नमेंट के 13,000 बेड। भाई, हम अन्य बीमारी की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये कोविड के संक्रमण से लड़ने का वक्त है। हम उस संक्रमण से लड़ने की और उससे कैसे निपटेंगे, इसकी बात हम कर रहे हैं। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।